अभी इतना इनको लेना वर्थवाइल नहीं है, 1.5 रुपए यूनिट का लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर आपने इंटरनेट पर चेक किया होगा कि आपके बजट में आपके लिए अफोर्डेबल गाड़ी कौन सी रहेगी। आपने ईवी का सोचा होगा, पेट्रोल डीजल का सोचा होगा, लेकिन आज काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव हो रहे हैं, उनकी तरफ स्विच कर रहे हैं। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है राजस्थान में, तो वो जो उसके बायर्स हैं उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेना क्यों ज़रूरी समझा बजाय पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से। तो हमें एक भैया मिले जो MG की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है। MG की कौन सी है भैया ये? MG ZS EV। अच्छा, तो ये आपने गाड़ी क्यों ली? क्योंकि पेट्रोल डीजल आ रही है और ये काफ़ी महंगी भी होगी मेरे ख्याल से। अभी इतना इनको लेना वर्थवाइल नहीं है। कारण क्या है कि जैसे इस गाड़ी की कीमत 24 लाख रुपए है, तो आदमी इस गाड़ी के ब्याज से ही जो है ना, इसके अमाउंट के ब्याज से ही अपनी गाड़ी चला सकता है। अच्छा, बट मेरी तो क्या था कि रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेरे को 300-400 किलोमीटर डेली गाड़ी चलानी होती है सिटी के अंदर, सिटी में भी, बाहर भी, हाईवेज पे भी। तो फिर आप इसको चार्जिंग का कैसे करते हो? चार्जिंग घर पे होती है, रात को अपन किसी भी टाइम खड़ा करें, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो या सुबह तक अपने पूरा चार्ज मिलती है। और एक चार्जिंग के बाद कितना किलोमीटर चल लेती है? एक्चुअली इसको ढंग से हैंडलिंग का ज़्यादा मैटर है। अगर अपन इसको बहुत प्यार से और इसकी जैसी स्पेसिफिकेशन है ना उससे चलाएंगे तो ये लगभग 325 चल जाती है, और अगर इसको मतलब रफ चलाएंगे तो 250 के अंदर चली जाती है। अच्छा। मतलब उसको अगर देसी भाषा में कहें, अगर इज्जत से चलाओ तो 325 और बेइज्जती से चलाओ तो 250 के अंदर। तो आप इसकी प्राइस बता रहे हो 24-25 लाख की है? इसमें तो बड़ी SUV आ जाए। हाँ, आ रही है इसमें SUV आ रही है, टाटा की बहुत सारी गाड़ी आ जाती है। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, एक तो इनके प्राइसेस थोड़े कम होने चाहिए, दूसरा जो चार्जिंग फैसिलिटी है ना वो भी ऑन रोड हाईवेज पे थोड़ा कम है। चार्जर मिल जाते हैं कहीं अंदर जाके है, कोई पेट्रोल पंप पे है, कोई 4 किलोमीटर अंदर है, कोई 6 किलोमीटर अंदर है, तो ये तकलीफ रहती है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 1,37,000 से भी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दौड़ रही हैं सड़कों पर, और उसमें चार्जिंग नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। तो आपको कहीं दूर एकदम से कोई काम हो गया, जाना पड़ गया आपको, तो फिर क्या है कि ये गाड़ियाँ केवल 100-125-150 किलोमीटर के सराउंडिंग में आदमी चलाए ना तब तो ठीक है। अभी मैं जैसे 2-3 बार इसको दिल्ली लेके गया पिछले हफ्ते ही, अब चार्जिंग मेरी 80% ख़त्म हो गई, यहाँ से दिल्ली पहुँचते 90% ख़त्म हो गई। और अब मेरे को चार्जिंग स्टेशन पहुँचना है, अब वहाँ जाते ही अगर वो ख़राब मिल गया, वो रनिंग नहीं है, तो फिर मेरी तो अटक जाओगे। हाँ, दूसरा क्या, पीछे से अचानक कोई काम पड़ जाए, आदमी के घर परिवार में बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, छोटे बच्चे बच्ची भी होते हैं, घर परिवार पे, कारोबार पे कोई अचानक मिसहैपनिंग भी हो जाती है, उस टाइम आदमी क्या करे, बहुत तकलीफ का विषय है। तो आपने मतलब ये किसको बोलोगे गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए? जिस आदमी की सिटी में ज़्यादा रनिंग है और जिसका 100-150 किलोमीटर के अंदर में राउंड रहता है और दो अच्छी खासी गाड़ी चलती है, उसके लिए तो अच्छी है गाड़ी, उसके लिए अच्छी है। और दूसरा जो लोग पेट्रोल गाड़ी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। अब हम तो क्या, रनिंग ज़्यादा है, डीजल गाड़ी रखते हैं, उसका लगभग 5 रुपये किलोमीटर का रहता है, और पेट्रोल में 7 से ऊपर हो जाता है, तो पेट्रोल जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए ठीक है। तो इन भाई साहब का कहना है कि जो शहर के अंदर सिटी में जो ट्रैवल करना पड़ता है जिन्हें, और जो सिटी के अंदर ही चलाते हैं, जिनको सिटी के अंदर काम पड़ता है, तो उनके लिए गाड़ी अच्छी होती है इलेक्ट्रिक। और जो 125-150 किलोमीटर तक रन रहे, अच्छा 125-150 किलोमीटर तक रन रहे, मतलब 100-150 के आसपास इनका पर डे के अंदर रहे, तो उसके लिए अच्छी गाड़ी है। और हाईवे पे जाने के लिए अभी भी इनको सोचना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश राजपूत। तो आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है, तो इसमें फ़ायदा हो रहा है आपको? फ़ायदा हो रहा है ना, 1 रुपये से भी कम में पड़ती है। 1 रुपये में, 1 रुपये किलोमीटर से भी कम में। अच्छा, पड़ता, मतलब 1 किलोमीटर चलने में 1 किलोमीटर रुपये से भी कम लगते हैं। अच्छा, तो आपके पास ऑप्शन थे स्कूटी, पेट्रोल वेट्रोल से बेहतर है ये? अच्छा, 110 किलोमीटर चलती है। एक सिंगल चार्ज में? सिंगल चार्ज। अच्छा, 1.5 रुपये यूनिट का लगता है। अच्छा, 1.5 रुपये यूनिट के लगते हैं।
अगर आपको व्हीकल लेना है तो बजाय टू व्हीलर फोर व्हीलर कंपनीज ने ऑटो और जो ई रिक्शा है वो भी लॉन्च कर दिए हैं लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो ऑटो चलाते हैं तो उनको ध्यान में रखकर। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी सस्ते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है आपको 30,000 तक। एक भैया हमारे साथ है, ये बताएंगे कि ये ऑटो कितने का है और गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है और लोग कितनी आसानी से इसको लेकर कम पैसे में, कम बचत में, बिना झंझट में पेट्रोल डीजल की इस पर काम चला सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार सर, मैं महिंद्रा कंपनी से हूँ, कल्याण ऑटो सेल। तो ये जो ऑटो आ रहा है कितने का है? ये 3,17,000 का ऑटो है। ये 130 किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करने के बाद, एक चार्जिंग पे। और इसमें 30,000 से 40,000 सब्सिडी आ जाती है और मात्र 50 रुपये का खर्चा है एक चार्जिंग पे। अच्छा, आराम से। और कमाई है सर 30,000 समथिंग। ओला उबर में भी चला सकते हो इसको, हर चीज़ में चला सकते हो। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार ऑटो दिखा दीजिए ये, कि एक बार चार्जिंग करने में 50 रुपये का खर्च आता है। हाँ। और चलते कितने किलोमीटर है ये? 130 किलोमीटर चलता है और इसमें 55 की स्पीड है, टॉप स्पीड 55 की है। तो लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ खरीदते हैं लेकिन तो उनका विश्वास हो जाता है कि यार जो इलेक्ट्रिक है कहीं बंद नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अभी भी थोड़ा सा ऐसा डाउट रहता है कि जब इलेक्ट्रिक पे मूव कर रहे हैं तो उतनी आसानी से वो नहीं कर पाते। तो अपने यहाँ पे लोग आते आराम से, आपसे पूछते नहीं है कि यार ये कहीं बंद नहीं हो जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो खराबी नहीं आ जाएगी टेक्निकल? सर, कस्टमर के कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्यूशन करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और उनकी क्वेरी जो भी रहती है उनको सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकार भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है। अभी सेंट्रल के जो बजट है उसमें भी ईवी के व्हीकल सस्ते करने का प्लान किया गया है, जिससे लोगों की पहुंच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग का इनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है और इससे एक अच्छा लोगों में मैसेज गया है और लोग अब इनकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन पेट्रोल डीजल इनके ये संसाधन सीमित है। अब इलेक्ट्रिक की तरफ लोगों का झुकाव और रुझान ज़्यादा है, इस वजह से अब लोग इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे पास कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, उनके जवाब हम देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। महिंद्रा के वर्कशॉप है हमारे, उनके सब वर्कशॉपों पे कस्टमर की क्वेरी। तो मतलब जैसे कि सर्विस कैसे होती है, कि मतलब कितने किलोमीटर चलने के बाद? सर, सर्विस सर 1,000 किलोमीटर पे होती है, फिर हर 500 किलोमीटर पे होती है। अच्छा। इसमें हमारे पास पैसेंजर भी है, लोडिंग भी है, कई तरीके के व्हीकल हैं। हमें एक भाई साहब मिले जो ई रिक्शा चलाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो ये ई रिक्शा लिया है इसके पीछे लेने की वजह क्या है और क्या इनको किराए विराए में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा जिमरान नाम है। अच्छा, तो आपने ये ई रिक्शा लिया है? हाँ, ई रिक्शा लिया है मैंने। तो आपको क्या मतलब, पहले सस्ता पड़ रहा है या कैसा पड़ रहा है ये? उससे डीजल गाड़ी सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, डीजल गाड़ी महंगी पड़ती थी तो सवारी पैसे देती नहीं थी किराए भाड़े के, इस वजह से ये डीजल ये लिया है, बैटरी रिक्शा। अच्छा, तो आपको मतलब कितनी सवारी बिठा लेते हैं, कितनी चार्जिंग चलती है, कैसे चलती है, मेंटेनेंस? 120 किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करने 4 घंटे में। अच्छा, तो मतलब कितनी बिजली खाता है फिर 4 घंटे में? मतलब एक बार चार्ज करने में कितने पैसे लगते हैं इसके? 60 रुपये लगते हैं। 60 रुपये में कितने किलोमीटर चलता है? 120 किलोमीटर। 120। अच्छा, उससे अच्छा आप 200 का तेल डालाओ, एक सवारी छोड़ दो फिर तेल डालाओ, मतलब ये क्या है, ये पूरे दिन भर चल जाता है एक बार चार्ज करने में। सरकार ने सब्सिडी दी इसमें? हाँ दी है ना। कितने हज़ार की? 25,000 की आई है। 25,000 की। आपको बता दें कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे था उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेगी उनके चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे और ऐसी बसें चलेगी, इलेक्ट्रिक बसें चलेगी जो वहाँ रोड पर दिल्ली जाएगी, मुंबई जाएगी और रास्ते में चार्जिंग के स्टेशन भी रहेंगे जिससे कि वो चार्ज हो सके। तो अब देखना होता है कि लोग अभी भी सोच रहे हैं और कोई लोग हाथों हाथ इसे पहली पसंद बना रहे हैं पेट्रोल डीजल के बजाय, कि सस्ती पड़ती है, सरकार सब्सिडी दे रही है। और जो बजट पेश हुआ था केंद्र का उसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो और सस्ते किए जाएंगे, तो इससे लगता है कि डिमांड बढ़ेगी। वैसे भी काफ़ी सेल बढ़ रही है लेकिन एक सवाल है कि सर्विस चार्जिंग नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं है। राजस्थान में 1.5 लाख के आसपास व्हीकल चल रहे और उतने स्टेशन नहीं है जो चार्ज हो सके, केवल
अपने घर पे चार्ज करो और सिटी में चल के आ जाओ, वापस घर पे आकर ही चार्ज करना पड़ता है। अगर ये समस्या सॉल्व हो जाए तो लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बढ़ेंगे और लोग पेट्रोल डीजल के बजाय जो उन्हें महंगे लगते हैं वो इस पर स्विच हो जाएंगे। देखते रहिए द अफेक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष।